अल्लाह आपको बहुत सेहत दे। आपने क्या आंसर किया है कि आपने तो बस वो पिछले इंटरव्यू का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। अच्छा दादो जी, अब ये और आखिर में एक बात कहनी आपने कि सब्सक्राइब भी कर दें, मतलब कि वीडियोस ताकि आती रहें बार बार ना उनके सामने, तो आपने कहना है कि सब्सक्राइब भी कर दें, बस वो जो कुछ भी है कर दें। चले भाई, अभी हम दादो का इंटरव्यू करने लगे हैं। आप लोगों ने अभी कहा है कि हसाम भाई, हमने जितने क्वेश्चंस भेजे हैं इंस्टाग्राम पे, आप वो दादो से पूछें। पहले तो इंटरव्यू दादो का हुआ हुआ है, तो इंशाल्लाह कल दादो जा रही हैं। जी आप लाए बास्केट? नहीं, जो मैंने आपको बोला था लाने को। नहीं मैं तो नहीं लाया, अभी मैं काम कर रहा हूँ ना यार। अच्छा जी, तो दादो जी शुरू करें। शोम जी कैमरा सेट कर देना, मम्मा आप रोशना को पकड़े ना। जी जी, आज फिर हम करें। दादो जा रही है, दादा से क्वेश्चंस पूछेंगे भाई। हम हो गया सेट, एक मिनट। दादो जी रेडी हैं? रेडी हैं। दादो अभी हम लोग बाहर बैठे थे, तो दादो कहती है कि ओ भाई तो मुझे क्या फायदा होगा इंटरव्यू दे के, कोई जॉब शॉप भी मिलेगी कि नहीं। बात गलत तो नहीं है, बात सही है ना? बिल्कुल सही बात है। आसान के सारे दोस्तों सबको अस्सलाम वालेकुम। वो एंट्री मारी है यार, आप चेक कर रहे हो क्या? हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपके घर वाले सब ठीक है? उधर बात करने की तो करनी है। अभी इंटरव्यू शुरू ही नहीं हुआ, अभी इंटरव्यू उस वाले कमरे में शुरू होगा। ये अभी हम ना सिर्फ उसकी तैयारी पकड़ रहे हैं मेहमानों के साथ। ठीक है शाम जी, सेट जब सेट हो जाए बताइएगा। चले भैया, उस कैमरे पे शिफ्ट। क्या शाम जी, ये दरवाजा बंद कर दें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? फिट फाट हैं आप सब? खैर तो इंट्रो हो गया। अब दादू से हम बेसिकली आप लोगों के क्वेश्चंस पूछते हैं। इस दफा मैं अपने पास से कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, आप लोगों ने जो जो इंस्टाग्राम पे मुझे कहे थे स्टोरी में वो दादू से हम पूछेंगे, क्योंकि कल दादू की इंशाल्लाह वापसी है लाहौर, तो आज हम दादू को पूछ लूँ दादू। ठीक है, तो अच्छा मैं सबसे पहले आप लोगों को एक बात बता दूँ कि अगर आप लोगों को दादू के बारे में, मतलब पर्सनल दादू के बारे में जानना है कि दादो किधर पैदा हुई, दादो का सारा बचपन, वो जो पहला इंटरव्यू था दादो का, वो सब कुछ उसमें है। इस वाले में सिर्फ आप लोगों के क्वेश्चन हम दादो से पूछ। अच्छा दादो जी, सबसे पहला क्वेश्चन आमिर भाई पूछ रहे हैं कि जो ये लोग बैक बाइटिंग करते हैं, गॉसिप्स करते हैं, ये जो चुगलियां चुगलियां करते हैं, अक्सर गाँव में बहुत होती हैं, गाँव के एनवायरमेंट में ज्यादा होती हैं शहरों से, तो इसके बारे में जरा कुछ चंद लफ्ज बताओ, आप कह दें क्या सीन है ये? पहले तो मैं सबको अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ, मेरे बच्चे के दोस्त हैं सबको, अल्लाह ताला आपको खैर खरीयत में रखे और अपने घर का, अपने वालदैन का, सबका बताएं कि क्या हाल है। ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कमेंट्स में बताएं भी। हाँ, बाकी ये जो आपने पूछा है, ये चुगली भी बहुत, ये तो बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन ख़ास करके ये औरतों में है, चाहे शहर की हो या देहात की। अच्छी चीज़ नहीं होनी चाहिए, बस नहीं होनी चाहिए, बस अल्लाह ताला बचाए, अल्लाह बचाए। अच्छा अभी अगली चीज़ ये है कि ये कहते हैं आप दादो से अपने फादर के बारे में पूछें कि क्या वो आपकी एज में आप जैसे थे बाय नेचर। ये फीजामान आपका यूजर नेम है, इन्होंने पूछा है। तो दादो ये बताइएगा, आप मुझे जानती हैं, आप बाबा को जानते हैं, आप बताएं कि जब मैं बाबा की उम्र में था तो हम में क्या फ़र्क था, बाबा क्या के नेचर में और मेरी नेचर में क्या फ़र्क था? नहीं, आप या मेरे वालिद का पूछ, मैं और निसार बाबा, इन दोनों में, मतलब मेरी उम्र में जब बाबा थे तो क्या फ़र्क था मेरा और मैं? आप निसार अहमद बहुत अच्छा था, मेरे सारे बच्चों से बढ़ के बहुत अच्छा था। मैं तारीफ तो अल्लाह की करती हूँ, ये भी मेरी औलाद है, आप भी मेरी औलाद हैं। मैं आपके बारे में इतना नहीं जानती क्योंकि वो मेरी गोद में पला भी है, मेरे सामने जवान हुआ है, फिर मैं उसकी शादी कराई, सब कुछ किया, तो उसको मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो बहुत अच्छा नेक असूल पसंद था। तो अब तो नहीं, बस मतलब कि दादो कहेंगे कि दादो मेरे बारे में इतना जानती नहीं है, लेकिन असल में दादो को मेरे बारे में बड़ा पता है, लेकिन दादो मेरा दिल नहीं दुखाना चाहती है इस वजह से। नहीं, ये दोनों बच्चे चाबी मेरे पास है। ठीक, ये दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये है कि मैं कभी साल बाद आई, छः महीने बाद आई, तो मैं इतना नहीं जानती। दूसरा ये है कि ये अपने काम में लगा रहता है, मैं अपने पढ़ने पढ़ाने में लगी रहती हूँ, इसलिए मैं इतनी नुक्ताचीनी करती भी नहीं हूँ। क्या तो, मेरी दादो की अजमत देखा। अच्छा अभी अगला क्वेश्चन दादो आया है, लेकिन इसका ना जवाब शायद बहुत लंबा हो जाए। ये आपने, ये बिस्मा सिस्टर ने भी पूछा है कि आप
अबाउट हर एंटायर लाइफ के कैसे गुजरी है, मतलब ये पूछ रहे कि आपकी पूरी जिंदगी कैसे गुजरी है ओवरऑल, तो वो इतनी जल्दी तो नहीं आपको बता सकती दादो थोड़े थोड़े से वर्ड्स में, लेकिन वैसे एक ओवरऑल बता देते हैं दादो कि कैसी आपका आपका बचपन कहाँ गुजरा हरिपुर में, और उसके बारे में कुछ बता दें। मैं हरिपुर अदारा में पैदा हुई हूँ, एक गाँव गाँव वो था जिस जगह सदर यू पैदा हुआ वो गाँव था हमारा। बचपना जो था वो मेरे वालदैन को पता होगा, मुझे नहीं पता, अगर है तो शरारतें ही की हैं, कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसकी कोई मिसाल हो। बाकी जो है शादी हो गई तो फिर बहुत सारे काम मेरे सर पे पड़ गए, बच्चों के भी शोहर के भी ससुराल के, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब निभाए, सब बच्चे हो गए। आपकी उम्र कितने साल में थी शादी? हाँ, शादी में मेरी 12-14 साल में हो गई है जब मेरी शादी हुई। 12-14 साल? जी जी, इतनी ज्यादा उम्र की नहीं थी ना। नहीं तो 18 साल तक तो होगी भाई, ये यही होगा 18-19 होगी मेरे। हाँ, उसका हिसाब नहीं था रहता। हाँ ठीक है, लेकिन बहुत छोटे होते होंगे। इतना मुझे पता है कि तुम्हारे दादा अबू ने मुझे बताया था कि तू 12 साल मेरे से छोटी है। हाँ, ये तो मैं बोला आपको कैसे पता है, कहते मेरे वालिद साहब हैदराबाद गए थे, उधर से उम्रे निकलवा के देखी थी। उस वक्त बिहार का था ना, एक चौकीदार आता था वो दरवाजा खटकाता, हाँ कोई बच्चा पैदा हुआ है, हाँ जी हुआ, अच्छा उसका नाम क्या रखा है, फलाना नाम है, अच्छा वो जाके तारीख लिखवाते थे, फलाने की बेटी फलाना नाम। हाँ, तो फिर ये इस तरह होता था। अब तो बहुत कुछ हो रहा है ना, अब तो हॉस्पिटल को पूरा ट्राई कर रखते हैं सर जी। ये पूछ रही कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, आपका सबसे आपको अच्छा गाना कौन सा लगता है आजकल? मुझे पता दादा को अच्छा लग रहा है, दादा खुद बताएंगी। गाने में जो कुछ गाए हैं या मेरा वक्त गुजरा है वो तो बहुत अजीबोगरीब था। मैं अपने बचपन का गाना सुनाऊं कि मेरी बहन के देवर की शादी हुई, मैं छोटी सी थी, तो मैं शादी में गई तो छत पे बैठ के मिल के लड़कियां गाने गा रही थी, तो मैं ये गाती थी, बीजी के बच्चिया टोकरे तरे डकिया वाह पाई वाह, गोड़ की ये रोड़िए खा की छोड़िए वाह पाई वाह, ये गाने के बचपन था ना। उसके बाद बहुत गाने गाए, लूटी थी, ये असली गाना था, सब कुछ था। ये थे तुम्हारे, तुम्हारे दादा अबू ने मेरे से पूछा कोई बचपन की कोई बात सुनाओ। मैं बोला बचपन की तो बहुत बातें हैं, लेकिन ये मशहूर बात है जो मैं ये गाना गाती थी। वो जब भी ड्यूटी से आते तो दरवाजे से कहते गोड़ की ये रोड़ी ये खा पी छोड़ी, उन्होंने मेरी नकली बना ली। बस ये है कि बहुत कुछ किया, शरारतें की हैं। मैं लूडी में पहले नंबर में आती थी, मैं औरतों को तंग करती थी, तो बस फिर सब कुछ करती रही। सही बात। अच्छा अच्छा दादू जी, अगला है ये माहीन रब नवाज सिस्टर की पूछ रही है, व्हाट हर लाइफ हैज टॉट हर मोस्ट इम्पोर्टेंटली, मतलब ये कि आपने अपनी जिंदगी सबसे ज्यादा जरूरी बात क्या सीखी? बड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया आपने। मैं इतनी बड़ी बात करती तो नहीं हूँ क्योंकि शरारतों में थी, लेकिन मुझे जब मैं पुराने पाक पढ़ने लगी छोटी सी, मेरे वालदैन ने बिठा दिया था बीबी के पास पढ़ो, तो मुझे बहुत शौक था सूरतें याद करने का, तो मुझे यही शौक था और आज तक के अल्लाह का शुक्र है मैं चलते फिरते सूरह यासीन, सूरह मुज़म्मिल, सूरह वाकिया, सूरह मुल्क, ये सब सूरतें मुझे जुबानी आती हैं, मैं चलते फिरते पढ़ती रहती हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपनी जिंदगी से ये सीखा है कि बंदा इस्लाम के पास रहे। बिल्कुल ठीक है, बचपन से। अच्छा दादो जी, अब ये फातिमा आमिर सिस्टर पूछ रही हैं, दादो दादा अबू और दादो रिलेशनशिप स्टोरीज, मतलब कि आपका और दादा अबू का रिलेशनशिप कैसा था, आपस में कैसी अमांगी थी? बहुत अच्छी थी, मेरे से बढ़ के वो हमदर्द थे, मोहब्बत करने वाले थे। मैं फिर भी कभी कभार ऊंची आवाज में बोलती, लड़ पड़ती, तो वो कुछ नहीं कहते थे, कहते बच्चों को संभालती है, सारा दिन लगी रहती, चल कोई बात नहीं, दिन गुजर करते थे। दादा अबू को ना ऑलमोस्ट फौत हुए कोई मेरे ख्याल है 31 साल हो गए, तो मतलब मैंने उनको नहीं देखा। ये निदा सिस्टर पूछ रही, निदा रियाज, के दादो आप ना शुमैला के बारे में कुछ जो है ना कहें। शुमैला अभी तो रिश्ता बन गया, शुमैला के साथ तो मेरी बहू है,
वैसे भी अच्छी बच्ची है, अल्लाह ताला इससे बढ़ के इसको अच्छा करे। ख़ानदान में आइए, पीछे भी अच्छी थी, आगे भी अच्छी है। मैं इतना तो नहीं जानती क्योंकि इस घर में आई है तो मेरी सलाम तो आ गई है, लेकिन बेहतर है, बहुत अच्छी है, मेरी इज्जत करती है। मैं ये कहती हूँ सबकी इज्जत। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा दादाजी, आप ऐसे बड़े पॉलिटिकल आंसर दे रही हैं, माशाल्लाह। कि अल्लाह के यहाँ भी पकड़ना हो, दुनिया में भी पकड़ना हो, कमाल कर दिया आपने। ये इम्तिहान बहुत मुश्किल। अच्छा जी, ये हारून खलील ब्रदर ने पूछा है बचपन के किस्से, लाइफ एक्सपीरियंस, एडवाइस फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो ये मैं आपके ना क्वेश्चन को हारून में थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ कि दादो, जो फ्यूचर की जनरेशन, जो बच्चे आगे आ रहे हैं ना, उनके बारे में कोई बात कहें कि वो क्या करें। जो बच्चे आ रहे हैं, हाँ, मतलब कि जो आजकल के छोटे बच्चे हैं, जो अगली पौध है पूरी पाकिस्तान की, आप क्या देखती हैं कि उनको कैसे अपने आप को लेके चलना चाहिए। बेटे, बात ये है कि मैं तो अनपढ़, मैं इस बारे में कुछ बता नहीं सकती, लेकिन पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे बच्चे बहुत अच्छे थे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ कि फौजी की बीवी कहते हैं आधी फौजी होती है। मेरे शौहर आते, खाना खाया, मैं हर चीज़ पहले तैयार करके रखती थी कि वो आए तो देर ना लगे। उन्होंने वर्दी बदली है, खाने पे बैठ गए, खाना खा लिया, तो फिर हम दोनों मियाँ बीवी दोपहर को सो जाते थे, क्योंकि सुबह भी उठे ही होते थे। तो हम बच्चों को ये कहते कि ये कुंडी लगाइए ना, तो ये कुंडी लगी रहे, इसको खोलना नहीं। तो बच्चों की क्या मजा लेकर वो बाहर निकले, उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोलना, बाहर नहीं जाना, सहन में बैठ के खेलना है। तो हमारी तो तरबियत भी ऐसी थी और औलाद भी अच्छी पाल गई। अब ये नहीं पता कि ज़माने की बात है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आजकल के बच्चे हैं ना, उनको आवारा गर्दी और फजूल कामों में ना पड़े, वक्त से घर आए हैं। इसका बहुत बच्चे, ये आप कंट्रोल करोगे, बच्चों को नहीं है पता। बच्चे अगर एक दफा आवारा हो गए तो फिर वो मुट्ठी में आने बहुत मुश्किल है। उनको पहले काबू करना चाहिए। ठीक ठीक। अच्छा दादो, ये आप, ये आरजू सिस्टर पूछ रही है कि आपके मैट्रिक में मार्क्स कितने थे। मेहनत पड़ी है, नहीं तो कैसे क्वेश्चन है यार। मैं तो पढ़ी कुछ नहीं, मैंने बताया है ना, मैं तो छोटे से गांव की पैदाइश थी, उस वक्त स्कूल नहीं थे। अब मैं बताती हूँ कि ये जो मेरे इंटरव्यू लेने वाले हैं, ये बताएं कि क्या जब पाकिस्तान बना तो आप मौजूद थे, नहीं थे ना? तो मैं उस वक्त मौजूद थी। अब अंदाजा लगा लें कि मैं इस वक्त 80-82 साल की हूँ। अब मेरे से क्या इंटरव्यू लेना है, क्योंकि मैं तो बहुत कमजोर। दादा जो आप तो पूरी क्या कहते हैं, पूरी कौम की बड़ी है ना। मैं तो अल्लाह ताला का लाख करोड़ शुक्र करती हूँ कि मेरे रब ने मुझे इतनी हिम्मत दी है कि मैं अंदर बाहर होती हूँ। पेरेंट्स से शादी की बात कैसे किया? नहीं, वो अपना पूछ रहे हैं कि पेरेंट्स से शादी की बात कैसे करें, अगर कोई किसी को पसंद करता है। अच्छा। तो वो अपने वालिदैन को कैसे बताएं, जाके बता दें यार डायरेक्ट। हाँ, बात ये है कि ये तो आजकल के रस्म और रिवाज है बेटे। हमारे जमाने में जब मैं छोटी थी तो उस वक्त मैं आपको कैसे समझाऊं कि एक चादर होती थी, औरतें ओढ़ के चार चार पाँच पाँच औरतें आती थी। तो मैं अपनी वालिदा को कहती, बेबे आज फिर चार औरतें आ गई हैं, ये क्या आपने दरवाजे खोले हैं? तो कहती, तुम अपने काम पे काम रखो, उनको छोड़ दो जो आई हैं। तो वो पहली जाती, दूसरी गा जाती, उस वक्त रिश्ते बड़े आते थे, कोई किसी बारे में कुछ नहीं पूछता। आपके शक्ल देखी, पसंद कर। अच्छा दादा, लेकिन आजकल के हिसाब से ना, मतलब आजकल तो देखें बिल्कुल हालात ही हैं कि अक्सर लोग बच्चों को यूनिवर्सिटी के अंदर कोई ऐसा पसंद आ जाए, तो अगर वो उससे उसको पसंद करते हैं तो अपने वालिदैन को कैसे बताएं? अक्सर वालिदैन भी कहते हैं नहीं, ये वो बातें करते हैं। नहीं बेटे, वो बात ठीक है, वालिदैन कहते हैं, लेकिन अल्लाह का हुक्म है कि लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद करें। क्योंकि ये जिंदगी की गिरह है, ये जिंदगी उन्होंने गुजारी, वालिदैन ने नहीं गुजारी। क्या बात है। तो इस चीज के बारे में बुरा ना मनाओ। बेटी है तो बेटी को बोलो अपनी पसंद बता दे। अगर उन्हें बता दिया तो दूसरी बात नहीं करो, कल जिम्मेदार बेटी खुद होगी, आप नहीं होंगे।
ये वालिदैन को मैसेज आ रहा है बिल्कुल के मतलब के बच्चों से भी पूछें और उनसे खोल के फ्रेंडली हो कल वो ये तो नहीं कहेंगे कि मुझे कहां फंसा दिए ये क्या किया खुद पसंद किया बस ठीक है खुद जिम्मेदार हो ये फेरी ऑफ हार्ट पूछ रहे हैं शी इज आस्किंग के बेस्ट मोमेंट ऑफ हर लाइफ का आपकी जिंदगी का सबसे जब आप सोचती हैं ना कि आपको ख्याल आता है यार कि मेरी जिंदगी का वो बेस्ट मोमेंट था सबसे अच्छा लम्हा था कोई एक लम्हा और ये आपको थोड़ा आपने शॉर्ट बताना है बच्चे वो मैं लम्हा बता नहीं सकती मैं जिस वक्त तुम्हारे दादा अबू के साथ थी तुम मुझे तुम मेरे साथ मजाक करती हो ना कि ये गाना क्यों सुनती हो मुझे एक एक लम्हा याद आता है कि मेरी इतनी अच्छी उनके साथ जिंदगी गुजरी गई कि मैं कहती हूँ मुझे और कुछ नजर ही नहीं आता सच्ची बात है मैं बहुत बहुत परेशान मेरा जिंदगी का साथी चला गया तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला मुझे भी रोके मतलब कहने का आपकी बात का आंसर ये है कि दादा की जिंदगी माशाल्लाह दादा का बहुत अच्छी गुजरी है और वो सारी जिंदगी ही अच्छे लम्हा आते हैं अच्छा मेरा ख्याल है इसको क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा हैं आप सबके तो इसको रैप अप करते हैं तो मैं यही कहूंगी अगर पढ़ने वाले बच्चे हो तो दिल लगा के पढ़ो यही वालदैन का सरमाया है कुछ बन के दिखाओ तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ आने वाली हैं जिनकी तुम्हें खबर नहीं है क्या जब शादी होगी बीवी की जिम्मेदारी औलाद की जिम्मेदारी वालदैन की जिम्मेदारी और बहन भाइयों की रिश्तेदारों की जिम्मेदारी ये नहीं निभाओगे तो बुरे बनोगे निभाओगे तो क्या क्या निभाओगे बीवी की नहीं सुनोगे तो वो कहेगी मुझे क्यों लाया है वालदैन की नहीं सुनोगे तो वो कहेंगे कल इतनी मेहनत करके पाला और क्या हमारे हाथ आया ऐसा है या नहीं बताएं भी कमेंट में ऐसा है या नहीं ऐसे ही होगा इसलिए अपने आप को तैयार करो हम ज्ञानों में भी कामयाब हो और ये आने वाला भी इम्तिहान है बहुत बड़ा अल्लाह ताला इसको इसमें भी आपको सबको कामयाब अल्लाह आपको बहुत सेहत दे आपने क्या आंसर किए हैं कि आपने तो बस वो पिछले इंटरव्यू का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया दादाजी माशाल्लाह ये हो गया अच्छा दादाजी अभी आपने ना आखिर में उनको ये कहना है कि आपने इस वीडियो को पसंद भी करना है वो एक ना बटन होता है पसंद का मैं तो ये कहूँगी कि इस वीडियो को पसंद करें लेकिन अगर आपका दिल नहीं चाह रहा तो मैं जबरदस्ती पसंद करूँगी क्या बात अगर तो दिल मानता है तो पसंद कर दे वो बटन दबा दे अगर नहीं मानता तो वो भी मुझे बता दे कि मैं बड़ी हूँ हो सकता है किसी बात में गलत बोल गई हूँ वो भी कमेंट में बता दें आप वो भी मैं माफी चाहती हूँ क्योंकि आप और मेरे में बहुत फर्क है दादू बच्चे हैं सारे हमारे अच्छा दादू जी अब ये और आखिर में एक बात कहेंगे आपने कि सब्सक्राइब भी कर दें मतलब कि वीडियोस ताकि आती रहे बार बार ना उनके सामने तो आपने कहना है कि सब्सक्राइब भी कर दें बस वो जो कुछ भी है कर दो जो जिस तरह आपकी मर्जी है आप कर दे मैं खुश हूँ जब भी आऊंगी फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी और एक दफा आके मेरे साथ मिल जाओ इंशाल्लाह अच्छा दादा जी अल्लाह को सेहत दे हो गया खत्म अच्छा दादू माशाल्लाह बहुत अच्छा इंटरव्यू हो गया अच्छा बच्चे ये तो वो बताएंगे कि क्या हुआ है ये तो हम तो अपने जुबान से कर रहे हैं ना ये तो वो बताएंगे कि बात अच्छी हुई है कि नहीं ये जो कि मैं रिकॉर्ड करूँ ना ये वीडियोस में नहीं जाएगी ये सिर्फ उसकी आवाज़ ताकि अच्छी आ जाए अच्छा तो मैं कहता हूँ आपने पिछले बार इंटरव्यू से बड़ा अच्छा इंटरव्यू दे दिया तो कमाल हो गया माशाल्लाह अब आपने जो है वो लाहौर जाने के लिए रुकना है उनके कहने पर वो सब आपको ना मैसेज करके कहेंगे मुझे वीडियो के नीचे ना एक मैसेज आता है अच्छा उसमें वो आपको कहेंगे कि दादो आपने लाहौर नहीं जाना ठीक है ना नहीं लाहौर तो मैं जाऊँगी मैं ये है कि इंशाल्लाह मैं ईद के बाद फिर आ जाऊँगी इसलिए जाना है कि मेरे बहुत सारे काम है मैं जब तक जिंदा हूँ ना तो फिर सारा खानदान दादो ने देखना होता है चले भाई पर सामने जब तुम आते हो पर सामने जब तुम आते हो